आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जोश राइडर्स पे। हमारे सामने टाटा 1512 CRX आप देख रहे हैं। भाई देखो, मंडी के काम में आप लोग कह रहे हैं कि मंडी के काम में हमें गाड़ियाँ दिखाइए टाटा की, तो मंडी के काम में सबसे ज़्यादा जो गाड़ी अगर यूज़ होती है ना, तो वो यही गाड़ी है 1512, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैं आपको साइड से इसका लुक दिखा देता हूँ। 22 फुटी गाड़ी है ये, डीजल में गाड़ी है, ठीक है। और इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं भैया से। तो भैया स्वागत है भैया हमारे चैनल पे। क्या नाम होगा आपका? यूनुस। यूनुस, तो यूनुस भैया कितने टाइम से आप ये गाड़ी यूज़ कर रहे हैं? 19 मॉडल, 2019 मॉडल है। अभी 2023 चल रहा है, यानी करीब 23 है। हाँ, तो करीब अभी ये 5 साल हो गए हैं। पाँचवें में चल रही है ना, पाँचवें में चल रही है। उठा लग रहे इसके। तो कैसा लग रहा है भैया इसको चला के? अच्छे, बहुत बढ़िया गाड़ी है। आपको बता दूँ ये BS4 गाड़ी है, और भैया के पास दो गाड़ियाँ BS6 भी हैं। कुल मिला के 3 गाड़ियाँ भैया आपके पास। तो BS4 और BS6 में क्या अंतर लग रहा है भैया आपको? बस वो यूरिया का खर्चा ज़्यादा एक तो, और एक दूसरी बात वो वजन गहरे पर दाब खे जाता। अच्छा, वजन डालने पे मतलब थोड़ा सा दब जाती है, ज़्यादा डीजल ज़्यादा लेती है। तो एवरेज कितना देती है वो नई वाली? नई वाली 7 का देती है। 7 का 8-9 लो मारता है ये, 8-9 का एवरेज दे देती है। अच्छा जी, 9 तक का। कितने टन में पासे भी है ये? 10 टन में पासिंग है। और ग्रॉस व्हीकल वेट कितना होगा माल के साथ गाड़ी का वजन? माल के साथ है इसका 16 में 200 कम किलो है, 200 किलो कम, 150, 180, मतलब कि 180 किलो कम है 16 टन में। 16 टन में, यानी करीब मान के चलो 16 टन इसका GVW है। और भाई भैया बता रहे हैं 10 टन इसकी पासिंग है, माल की। तो बहुत बढ़िया। तो भैया कितना तो आपकी फेवरेट कौन सी है? ये वाली है जो BS6 है वो ये वाली फेवरेट है भैया की, ठीक है। अब इसमें दिक्कत एक आप और बताते हैं, इसमें डे केबिन में है ये, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डे केबिन में है ये गाड़ी, तो डे केबिन में यही इसकी समस्या है? यही बस, और कुछ नहीं। अच्छा, और कोई समस्या नहीं है गाड़ी में? मेंटेनेंस नहीं है, जीरो है। अच्छा जी, जीरो मेंटेनेंस है अब तक। मैंने इसमें 20,000 रुपये लगाए आज तक। बहुत बढ़िया। तो सर्विस का भैया कितना खर्चा आता है इसका? सर्विस का इसका 9,000-8,000। और जो नई वाली है उसका? उसका 1500। कितने भैया कीमत क्या बैठती है नई वाली जो गाड़ी भी आ रही है? उस टाइम तो 16 की ढाई थी ये, आपने 16 लाख में ली थी 2019 में। और अब जो आपने नई वाली ली है वो कितने कितने की आई? वो एक गाड़ी 21 में 21 की ढाई थी, 21 लाख में। किस्त वगैरह कितनी जा रही है उसकी? अब गाड़ी ढाई, और वो है क्या नाम, कौन सी आई, 1918 ढाई। अच्छा, 1918। हाँ हाँ, वो कितने में पड़ी? वो तो 32 लाख। 1918 नहीं है, 1916 है भैया वो। 1918 है जो डबल केबिन में। अच्छा, डबल केबिन में, ठीक है। तो वो कितने में पड़ी आपको? वो 32 में पड़ी, 32 लाख में पड़ी है। अच्छा, वो भी 22 फुटी है। 22 है। तो मंडी के काम में भैया, जैसे कि आप गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, तो मंडी के काम में आपको लग रहा है सक्सेसफुल गाड़ियाँ हैं? हाँ, मंडी के काम में सक्सेसफुल है, चलाने वाला सक्सेसफुल हो। चलाने वाले के ऊपर निर्भर है जी, चलना पड़ेगा। तो कहीं भी नहीं करने, कोई भी नहीं कर रही मंडी, खड़े होंगे तो कोई जी। तो भैया कितना रूट आपका क्या रहता है, मतलब कि मेरठ से? कोई लिमिट नहीं हमारी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि एक चक्कर में वहाँ रुद्रपुर शायद आप बता रहे हैं। हाँ, और गुजरात तो चलेंगे वापस है। तो ये डीजल 22,000 रुपये का डीजल है, मुझे अपना घर आ जाएगी। अच्छा, खाली करके। अच्छा जी, जाना आना 22,000 में हो जाएगा? नहीं, जाना जाना 22,000। अच्छा, एक साइड और 9,000 के टोल हो जाए। तो भैया जैसे कि कितने लीटर का इसमें डीजल टैंक होगा? 160 का है नए वाले में भी। हाँ, नए जी, टंकी भी छोटी है, टंकी गलत। और यूरिया की खपत कैसी रहती हुई है नए वाले में? यूरिया ठीक है, यूरिया एक बाल्टी ले। तो कई लोग कहते हैं ना कि यूरिया की वजह से गाड़ी में बड़ी समस्या आती है, यूरिया में लैपटॉप लग रही है, ये हो रहा है। कुछ कर नहीं सकते, यूरिया जो है कई वो लोग का ज़्यादा खाती है, कई लोग का कम खाती है, कम ज़्यादा है ना, ये समस्या भी रहती है। कोई ज़्यादा खा रही, कोई कम खा रही। तो मंडी के काम में जैसे आप भैया गाड़ी चला रहे हैं, तो मंडी के काम में कुछ बचत वगैरह होती है? बचत वगैरह तो कुछ नहीं, भाड़े तो देते लोग, मंडी का काम में तो गाड़ी फेल नहीं, बस गाड़ी फेल नहीं होगी। तो मंडी का काम भैया मिलता कैसे है? क्योंकि कई भाई लोग हैं हमारे जिन्होंने गाड़ियां बना रखी है, मंडी के काम में ही गाड़ी चलाते हैं, लेकिन उनको भाड़ा रेगुलर नहीं मिलता। रेट गिरी है ना, रेट नहीं मिलता कोई, टोल बढ़ गए, रेट गिरी। किस्त कितनी जाती होगी भैया? 46,500 के। 46,500, 46,000। अच्छा जी, एक की तो 57,000 के है, एक की 42,360। ये वाली गाड़ी अब तक फ्री नहीं हुई होगी? अभी कहाँ लॉकडाउन ठोक रखा है।
तो लॉकडाउन में भैया कैसे आपने किस्त वगैरह कैसे निकाला? तीन किस्त दी थी लॉकडाउन में बस। हाँ, और इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर भी मोरियम टाइम लगा दिया उन्होंने। हाँ, हमें तो नुकसान है, हम तीन किस्त का नहीं है। अच्छा, तीन किस्त लॉकडाउन में भी दे रखी, जिनने नहीं करी वो ठीक रह गया। अच्छा, तो उनकी माफ़ हो गई? माफ किसी की नहीं होने की, तो डबल लग रही है। तो सात महीने की सात किस्त बना रखी उनकी, तो छः महीने की सात बना रखी उन्होंने। अच्छा, चौवन किस्त हुआ केस था, इस गाड़ी पे 61 पे दिखा रहे हैं। अब हमें तो 61 ही उतारने पड़े, जो मजदूर है। अब जब कुछ कहेंगे तो उनका बेईमान हो, तुम हम ही बेईमान हो जाएंगे ना। तो भाई देखो, गाड़ी का पूरा लुक जो है कुल मिला के डे कैबिन में है, ये दिक्कत है। तो भैया जैसे मंडी के काम में तो लोग कहते हैं यार स्लीपर कैबिन लेके करना ही क्या है, डे कैबिन में तो सही है मंडी के काम में? नहीं नहीं, कैबिन नहीं बड़ा चाहिए, आराम भी तो चाहिए आदमी को। आराम तो जरूरी है, जब गाड़ी खाली होगी उस टाइम पे ड्राइवर आराम करें तो उसमें स्लीपर कैबिन बढ़िया। तो जैसे भी आपने टाटा की वो ली है स्लीपर कैबिन, तो वो ठीक लग रही है आपको? हाँ ठीक लग रही है, आराम तो आदमी इतना गाड़ी खड़ी होगा नींद निकल जाए उसकी। हाँ, टकाता तो करता मजा भरना। अच्छा, तो वो सही लग रही है आपको? ठीक लग रही है, पर थोड़ा एवरेज घट दे रही है अभी। अभी एवरेज थोड़ा कम दे रही है, वो कितने का एवरेज दे रही है? अभी सर्विस नहीं हुई ना पहली उसकी। सर्विस होए पर देखते हैं क्या करेंगे। अच्छा, तो कुल मिला के आप सेटिस्फाई हो? जैसे आयशर की भी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो क्या कहते हो आयशर की गाड़ियों को? आयशर की हमने कभी ली नहीं, ना हमारी पसंद, हमारे तो पसंद ही नहीं आयशर की। अच्छा, क्या रीज़न है? फेल है गाड़ी हमारे हिसाब से, फेल है। किस किस हमने ट्रॉले भी चलाए, घोड़े भी चलाए, डी मॉडल तक गाड़ी चला रहे हम। हमारे आगे टाटा की गाड़ी का आगे सब फैल, महिंद्रा पहेंद्रा सब नाम लेते हैं, लैंड बिलैंड। तो कंपनी सर्विस अच्छा करके देती है? कई लोग कहते हैं सर्विस बेकार है टाटा की। क्या किसी के होना हो, हमारे तो कहीं भी हो पूरे भारत में वहीं हो। कहाँ पर? कहीं भी हो, एक बार गाड़ी जाने की देर है गाड़ी मार तो हो जाए। अच्छा, बढ़िया लगी आपको सर्विस टाटा की? तो सर्विस पहले थी फास्ट है। चलो यार, टाटा की सर्विस बहुत बढ़िया है। और टायर साइज वगैरह का हम लोग देखे तो भैया कितने साइज है टायर का? 920 के टायर साइज है भाई, ठीक है 920 के हैं। अब तक दूसरी बार टायर चढ़े इसमें। अच्छा, यानी 5 साल में ये दूसरी बार आपने टायर लगवाए हैं। तो टायर भैया कौन सी कंपनी के बढ़िया लगे आपको? एमआरएफ के टायर ही बढ़िया है। एमआरएफ के टायर आपको बढ़िया लग रहे हैं? एमआरएफ की सर्विस बहुत है, एमआरएफ की सर्विस अच्छी है। कितने किलोमीटर भैया टायर चल जाते हैं ये? अब लगा ले, पिछले मार्च में चला था, तीसरा मार्च आ जाएगा। अच्छा जी, अभी तो साल पूरा चलेगा, अगले मार्च में जाकर चलेंगे। तो मतलब कुल मिला के कितने किलोमीटर चल जाएगा लगभग? चल जाएंगे जी, चलेंगे किलोमीटर तो हम लिख नहीं रहे, अब पहला चल रही थी कंपनी में जब लिख रहे थे, अब तो लिख रहे। मतलब 100,000 किलोमीटर तो चले जाएंगे, ज़्यादा चल रहे होंगे, ज़्यादा चल रहे होंगे। तो भाई देख लो, MRF का भैया इतना बढ़िया जो है बता रहे हैं, ठीक है। और कई लोगों के भैया टायर जल्दी फट जाते हैं, उसका क्या रीज़न रहता है? फटने का तो नसीब हो, किस तरह फटने वो तो नसीब का खेल है। अच्छा जी, कितने में पड़ते हैं भैया ये टायर? कितने में पड़ते हैं ये टायर? 40,000 का जोड़ा आ रहा सीधा ही, 40,000 रुपये का जोड़ा आ रहा। अच्छा चलो सही है, ये पिछला मार्च में आज था, पिछले मार्च तक मैं चढ़ाए थे मन, ये टायर 2 साल हो गए, तीसरा चल गया ना, तीन में उतरेंगे। बाकी भैया यहाँ अगर कैबिन वेबिन इसकी सॉरी कमाने की बात करें, कमाने वगैरह आपने बढ़वाई है? अंडरलोड है कमाने, कोई सी गाड़ी की बढ़वाई? तो जब आपने गाड़ी ली तो क्या इसमें ग्रीस वगैरह? कई लोग बताते हैं यार कंपनी ग्रीस ही नहीं देती है। हमने नहीं करवाया, नहीं कंपनी में करवाया। अच्छा, हमने तो चलाई है बस, बहुत बढ़िया चलाई चलाई है, हमने नहीं करवाया तो बाकी चेक करवा लेना चाहिए। बाकी आपने ये थोड़ा बहुत काम वाम करवा के गाड़ी को मजबूत करवाया, ये कैसा लग रहा है आपको इसका भैया जो डाला है, मजबूत है? हाँ डाला, अब तक देख लो बड़ा ऐसा ही है इसका, बॉडी देख लो, बॉडी देखो आप, कहीं भी देखो दबा नहीं है, कहीं से भी आपको दबा पिचका इसका जैसे ये गुम्बद से निकल जाते हैं सब, मतलब बाहर निकल जाए इसमें तो एक दो वजह हो गए इसमें, एक आध साल भी तो चार हो गए। हाँ 4 साल हो गए, सही बात है, तो यानी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, है ना। तो एक समस्या और रहती भी है इसमें, एक पाइप रहता है, 12.5 लाख रुपये दे रहे हैं, 18 मतलब। अच्छा जी, और आपने ली गाड़ी ये 21 लाख में शायद? यो मैंने जब ली थी 21 कुछ में पड़ी थी, मुझे ऑनलाइन करवा बताओ, बड़ी सस्ती पड़ गई। और तो फिर आपने बेची क्यों नहीं? नहीं इसे मैं बेचता, इसे तो मैं बुड्ढी करूँगा। अच्छा चलो सही है, जो गाड़ी मेरे लग गया है आज, मेरा 1 रुपये का नुकसान नहीं गाड़ी। अच्छा जी,
नहीं बेचता। बहुत बढ़िया, इसे तो मैं फ्री करके भी कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करता। अच्छा, आया वहाँ करवा दो झारखंड पास चला। अच्छा, इसे तो मैं रखो वहाँ दिल तक। यो बस मैंने देख रहा है फ्री हो अरे बाल्टी तारी। अच्छा, बाल्टी देसी लगवा। अच्छा, इसकी बॉडी उतार के आप दूसरी बॉडी लगाओगे? इसे मोर बना दो। मोर बनाओगे मतलब? अच्छा, बुढ़ी नहीं और देने का पासिंग तो भी बुढ़ी नहीं और दो भाई। तो भाई आप लोग देखो, भैया जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है गाड़ी से, ठीक है, और काफ़ी मतलब बढ़िया तारीफ कर रहे हैं गाड़ी की। 15-12 वाकई में बहुत ही अच्छा मॉडल है। आप लोगों के कई सारे सवाल रहते हैं जैसे कमेंट में कि यार मतलब कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, कितना क्या रहेगा, ईएमआई क्या रहेगी, गाड़ी की टोटल कीमत क्या है। तो भाई देखो, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप मतलब कितना डाउन पेमेंट कर रहे हो, आपकी सिविल स्कोर आपका क्या है, कैसे है, तब जाके जो है ना मतलब वो चीज़ें निकल आती हैं कि ईएमआई क्या बैठेगी और बाकी चीज़ें टोटल गाड़ी की कीमत क्या बैठेगी। कईयों को थोड़ा सा 1-2 लाख का फ़र्क पड़ जाता है उनके सिविल स्कोर और बाकी डाउन पेमेंट के बेस पे। तो आप जैसा डाउन पेमेंट आप करोगे उसके हिसाब से जो है चीज़ें होती हैं। तो बाकी आप लोग यार हमारे जो है इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर जोश राइडर्स जाके सर्च करिए, उसको फॉलो कर लो साथ में, ठीक है ना। क्योंकि YouTube पे तो चीज़ें आती रहेंगी, वहाँ पे भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट डालूंगा आपके लिए। आप वहाँ एक बार फॉलो तो करो, वहाँ पे फॉलोवर बढ़ेंगे तब मज़ा आएगा यार, ठीक है। बाकी इस गाड़ी को लेके बाकी भैया ने हमें काफ़ी अच्छा खासा रिव्यू दे दिया है। तो भैया आप हमारे चैनल पे आए, आपने कीमती समय हमें दिया है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, गाड़ी ध्यान से चलाइए। बाय।